what's up? It's me Priya and aaj ki video mein I'm doing a Sarojini Nagar haul and I know that Sarojini Nagar hauls are very popular on YouTube and you guys probably love it. So I have bought a lot of stuff from Sarojini Nagar market and if you don't know what Sarojini Nagar market is, you need to know about this because they sell a lot of stuff in very cheap prices, like very inexpensive prices. And I have bought a lot of stuff. You can get clothing, you can get shoes, you can get jewelry, you can get home decor stuff as well. And there's a lot of stuff that I've bought, so I'm gonna show you that now. Let's move on with the video. When you walk into Sarojini Nagar market, initially you see vendors जो कि jeans बेच रहे होते हैं, jeans या बहुत सारे bottoms, and वो इतने inexpensive jeans और bottoms बेच रहे होते हैं कि मैंने जो पहली चीज ली वहां से वो है ये jeans मैंने ली है. As you can see, बहुत ही beautiful red और white color की इसके side में ये stripe है और ये plain denim jeans है बिना किसी ripped parts के और पीछे से ऐसे दिखती है. And इसके ऊपर हॉलिस्टर का टैग है. सो इफ यू गेटिंग अ हॉलिस्टर जीन्स फॉर 200, विच इज द प्राइस आई पेड फॉर दिस जीन्स, बहुत अच्छी डील है गाइस, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ हॉलिस्टर जीन्स, राइट? सो 200 के लिए कैसे मिल जाएगी सरोजिनी नगर मार्केट पे. नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट आई बॉट फ्रॉम सरोजिनी नगर मार्केट इज दिस पेयर ऑफ शॉर्ट्स. एंड ये भी मेरे को उसी एरिया में मिला था जहाँ मेरे को जीन्स मिली थी. एंड या ये एसिड वॉश वाले शॉर्ट्स हैं जिनके ऊपर बहुत ही सुंदर रिप्स लगे हुए हैं एंड पीछे इसके पॉकेट्स भी हैं. एंड इनको मैं बहुत सारे तरीके से स्टाइल कर सकती हूँ बिकॉज बहुत ही बेसिक शॉर्ट्स है, तो किसी भी जैकेट के साथ भी पहन सकती हूँ, किसी भी टी शर्ट के साथ पहन सकती हूँ, कैजुअल लुक बना सकती हूँ इनके साथ. और हाँ, इनके साथ लाइक फिशनेट्स पहन लो इसके अंदर तो बहुत अच्छा लगेगा. मैं तुम्हें बता नहीं सकती गाइस कितना ज्यादा अच्छी डील मिली मेरे को इन ब्लेजर्स के लिए. आप ये ब्लेजर देख रहे हैं यहाँ पे, गेस करो इसका प्राइस, बिकॉज ये ब्लेजर इतनी अच्छी क्वालिटी का है एंड आई गॉट दिस ब्लेजर फॉर जस्ट 200 रुपीज फ्रॉम सरोजिनी नगर मार्केट. आई मीन इतनी अच्छी क्वालिटी का ब्लेजर है एंड इट फिट्स मी लाइक अ ग्लव. आप लाइक अभी ट्राई ऑन में देखेंगे कि कितना अच्छे से फिट होता है और कितना वर्सेटाइल है. आप इसको ऑरेंज के साथ पहन सकते हैं, ब्लैक के साथ पहन सकते हैं, इसको लाइक ग्रीन, ऑलिव ग्रीन कलर है राइट, तो वो काफी सारी चीजों के साथ अच्छा भी लगता है. एंड इस ब्लेजर में यहाँ पे पॉकेट्स भी हैं, तो आई ऑलवेज लव पॉकेट्स. ओके, आई लव पॉकेट्स. तो ये ब्लेजर कैच्ड माय आई. मेरे को एक और जैकेट मिली, एक और ब्लेजर मिला सरोजिनी नगर मार्केट में, जहाँ से मैंने आपको वो ऑलिव ग्रीन वाला दिखाया था वहीं से मेरे को ये ब्लैक ब्लेजर मिला है. अब ये प्लेन ब्लैक ब्लेजर है एंड वी ऑल नीड वन प्लेन ब्लैक ब्लेजर इन आवर लाइफ्स, बिकॉज किसी भी फॉर्मल इवेंट में, किसी भी बिजनेस इवेंट में वो बहुत ज़रूरी होता है. एंड ये ब्लैक ब्लेजर इतनी अच्छी क्वालिटी का है, जस्ट लाइक द प्रीवियस वन. एंड यू वोंट बिलीव गाइस, इसके अंदर ज़ारा का टैग है. आई वाज शॉक व्हेन आई सॉ कि इसके अंदर ज़ारा का टैग है, बिकॉज आई ऑब्वियसली 200 रुपीज, दिस वाज फॉर 200 रुपीज ऑल्सो. एंड अगर आपको 200 के लिए ज़ारा का टैग मिल रहा है, इट्स सच अ गुड डील. अभी आपको बॉटम्स दिखाई थी राइट, बट मैं आपको एक चीज दिखाना तो भूल ही गई, ये क्यूलॉट्स स्लैश प्लाजोस. लाइक नॉर्मल इंसान के लिए क्यूलॉट्स है, मेरे लिए प्लाजोस है, बिकॉज ऑब्वियसली मेरी हाइट बहुत ज्यादा छोटी है. बट ये मेरे को मिले कितने के थे, आई फॉरगॉट. हाँ, मम्मा मेरी शूट करी आज और मम्मा बोल रही है कि ये 200 के थे, बिकॉज शी बार्गेन्ड ऑन दीज एंड वो बहुत अच्छी डील में लेकर आई है. इनका कपड़ा इतना अच्छा है, लाइक बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये 200 के होंगे, बट ये 200 के हैं. एंड ऑब्वियसली इसके साथ लाइक बहुत सुंदर सी ये बेल्ट भी आती है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में है आजकल. सो आई गेस सरोजिनी इज ऑलवेज ऑन ट्रेंड, आई फील लाइक.
या और इसको आप बहुत सारी चीज़ों के साथ स्टाइल कर सकते हो, इससे आप कैजुअल लुक बना सकते हो, इससे आप बिजनेस वेयर बना सकते हो. एंड या गाइस, दीज आर सो ब्यूटिफुल एंड आई लव द कलर, सच अ प्रिटी ग्रीन कलर. आप लोगों को लग रहा होगा मेरे को ग्रीन बहुत ज्यादा पसंद है, बट ऐसा कुछ नहीं है. बट आई डोंट नो, फॉर सम रीजन आई बॉट अ लॉट ऑफ ग्रीन. एंड उससे याद आया कि ये शॉर्ट्स, ये कैजुअल शॉर्ट्स जो मैंने लिए हैं, यू नो, सोते वक्त पहनने के लिए या फिर ऑब्वियसली नाइट के लिए या फिर कैजुअल वेयर, राइट, घर में जो पहनते हैं. एंड इनका कपड़ा भी अगेन लाइक द प्रीवियस वंस बहुत अच्छी क्वालिटी का है. आई डोंट बिलीव हाउ यू गेट सच inexpensive clothes at such good quality in Sarojini Nagar. I don't know how you do that, but हाँ, ये मेरे को I think 100 rupees का था ये, और सिर्फ 100 rupees के लिए बहुत अच्छा है, like very comfortable to wear. I've worn it before, ये बहुत comfortable है. जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया कि मैं shorts लेके आई थी अपने सोते वक्त पहनने के लिए, वैसे ही मैं बहुत ही comfortable t-shirt dress लेके आई हूँ अपने लिए, एक्स्ट्रा लार्ज साइज की थी आई गेस. और ये है वो टी शर्ट, पहली वाली ये है, इसके ऊपर इतना सुंदर ये फ्लोरल डिजाइन बना हुआ है. एंड फ्लोरल है तो आई गेस अब तक आपको समझ आ गया होगा ये मेरी मॉम की चॉइस थी. हाँ, और ये मम्मा अपने लिए लेके आई थी, बट आई इवेंचुअली यू नो रेडेड ऑन दिस एंड मैंने मम्मा को बोला कि मैं इसको पहन के सोने वाली हूँ कल से, क्योंकि ये मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आई थी और ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है. कितने की थी मम्मा ये? 100 rupees. And ऐसी मैं सिर्फ एक नहीं बल्कि मैं तीन लेकर आई हूँ. I'll show you. ये है दूसरा कलर, ये है अगेन फ्लोरल है, तो ये भी मम्मा की चॉइस थी रेड कलर में. इसके ऊपर ये क्या टाइगर है? टाइगर है ये? हाँ. इसके ऊपर ये टाइगर बना हुआ है और इसका कलर भी मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है. बट आई मीन लाइक 100 रुपीज़ की ये टी शर्ट्स थी और मेरी टी शर्ट ड्रेस है और इतनी कंफर्टेबल है ये सोते टाइम पे पहनने के लिए, तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छी डील, थी. सो गाइस, अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक टॉप जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो मैंने वहाँ सरोजिनी नगर मार्केट में लिया, वो है ये. और आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन दैट बिकॉज आई डोंट नो ये है क्या, बट इतना सुंदर लगा था ये मेरे को और मेरी मम्मा को भी कि हमने लाइक वी जस्ट फिगर्ड अप वेरी क्विकली. दिस वाज फॉर 150 एंड इसके ऊपर H&M लिखा हुआ है गाइस, इट इज एन H&M टैग. एंड आई फील लाइक ये बहुत ही सॉफ्ट है तो कंफर्टेबल भी होगा ये पहनने में. मेरी क्लोदिंग वाले पीसेस तो खत्म हो गए हैं, बट आई हैव अ लॉट ऑफ स्टफ दैट आई हैवंट शोड यू गाइस येट बिकॉज मैंने वहां से बहुत सारी शॉपिंग करी थी. और जो मैंने अगली चीज वहां से ली है जो कि बहुत ही ज्यादा ऑन ट्रेंड है आजकल, वो है ये लाइक हील्स. ये ब्लॉक हील्स है एंड ब्लैक कलर के हैं ये, और ये बहुत ही कंफर्टेबल चलने में बिकॉज ब्लॉक हील्स है, तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगे मेरे को. एंड आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, आप इनको कितनी सारी चीज़ों के साथ स्टाइल कर सकते हैं. आप इनको स्कर्ट के साथ भी पहन सकते हैं, शॉर्ट्स के साथ भी अच्छे लगते हैं और जीन्स के साथ भी अच्छे लगेंगे. आप इनको फॉर्मल में भी पहन सकते हैं, आप इनको कैजुअल वेयर भी बना सकते हैं बिकॉज ये कम्फर्टेबल है. तो आई फील लाइक ये मेरा काफ़ी ही फेवरेट पेयर था एंड आई गॉट दिस फॉर 250 rupees. नाउ 250 के लिए फुटवेयर बहुत ही अच्छी चीज़ है बिकॉज फुटवेयर आजकल कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव आता है, राइट. एंड ये क्वालिटी भी अच्छी है, आई डोंट थिंक दीज आर गोना बी रूइंड एनी टाइम सून. आई डोंट नो अबाउट यू गाइज बट मेरे को बैकपैक्स बहुत ज़्यादा पसंद है. एंड आई लाइक मैं सरोजिनी नगर जा रही थी, राइट, तो ऑब्वियसली आई हैड टू पिक अप अ बैकपैक फ्रॉम देयर. सो मैं ये लेकर आई वहाँ से, ये बेबी पिंक कलर का बैकपैक. ये बैकपैक मेरे को 300 rupees का मिला था सिर्फ. एंड इसके ऊपर इतना क्यूट सा ये पैंडा बना हुआ है एंड इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है गाइस, आई कैन नॉट बिलीव कि मेरे को सरोजिनी नगर में इतनी अच्छी क्वालिटी का सामान मिल गया. इसके ऊपर ये पॉकेट भी है और अंदर एक पॉकेट है
जो कि बहुत ही स्पेशियस घी है. दिस वॉज ओरिजिनली फॉर 600 एंड माई मॉम बार्गेन्ड इट फॉर 300. तो ये बहुत ही अच्छी चीज लगी मेरे को कि वहां पे आप इतनी सारी बार्गेनिंग कर सकते हो सरोजिनी नगर में. ये है मेरी नेक्स्ट चीज जो मैंने खरीदी थी. ये बीची सॉर्ट ऑफ हैट जो कि मेरे को सिर्फ 100 रुपीज की मिली है एंड इसको मैं बीच पे ले जा सकती हूँ. इसको मैं कितनी सारी अलग अलग चीज़ों के साथ पहन भी सकती हूँ राइट. बिकॉज इट्स ईजी टू स्टाइल. इसका कलर इतना अच्छा है कि आप इसको कितनी सारी चीज़ों के साथ स्टाइल कर सकते हो और सिर्फ 100 रुपीज में ये बहुत अच्छी डील है. इफ़ यू गो टू स्टोर लाइक मिनी सो यू गेट दीज फॉर लाइक 500 or 600 और मोर देन दैट. बट ये मैं सिर्फ 100 रुपीज की लेके आई हूँ एंड इट्स द सेम क्वालिटी. सो गाइस ये है मेरी नेक्स्ट चीज जो मैंने ली है. ये दो रिंग्स और आई एम नॉट रियली अ बिग फैन ऑफ इंडियन ज्वेलरी बट आई डू वेयर अ लॉट ऑफ इंडियन एथनिक आउटफिट्स. And I wanted these for a lookbook, which is coming soon. So I bought these rings and these were 50 each. Like I got a lot of jewelry and वहाँ पे I don't know why but सारी jewelry 50 each की थी. Like I'm gonna show you on like few more pieces और वो सारे 50 rupees each के थे. And yeah, इसको आप कितनी सारी Indian outfits के साथ style कर सकते हो. I wanna be you know experimental and try and style these with Western outfits. I don't know how that is gonna go, but we'll see about that. So जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैंने वहाँ से और भी jewelry खरीदी थी, तो ये earrings मैंने वहाँ पे खरीदे थे. 50 के थे ये भी एंड या इनको भी मैं कितनी सारी अलग अलग चीज़ों के साथ स्टाइल कर सकती हूँ. ऑब्वियसली सिल्वर ज्वेलरी है एंड सिल्वर ज्वेलरी इज अ मस्ट फॉर एवरी वार्डरोब राइट. सो आई गॉट दीज एंड वहाँ पे जो मैंने अपने लाइक फेवरेट जो मेरे को स्टाइल लगती है मेरी जो कि सॉर्ट ऑफ ग्रंजिश स्टाइल है वो ये नेकलेस लिया मैंने उस स्टाइल का क्योंकि ये मेरे को 50 रुपीज़ में मिल रहा था एंड यूजुअली आई सी दीज थिंग्स फॉर लाइक 600 or 700 विच इज़ नॉट रियली फेयर बट आई गॉट दिस फ्रॉम सरोजनी फॉर जस्ट 50 रुपीज एंड आई फील लाइक दिस लुक्स वेरी ब्यूटिफुल. That I bought from Sarojini Nagar market are these flower pots. I'm going to show you one by one. First one is this one, and ये flower pots मैंने सिर्फ इसलिए खरीदे because my mom loved it and इतनी ज़्यादा help होती है मेरी इनसे shoots में because आप मेरे Insta पे जाकर देखेंगे I use these a lot for my flat lays and my shoots. Yeah, like आप देख रहे हैं कि background में ये flower pot रखा हुआ है right? So I can use these for my backgrounds and my flat lays and what not. और decoration के लिए कितना सुंदर पीस है ये. Office में रख सकते हैं आप, अपने घर में decorate कर सकते हैं. And mom ने बहुत अच्छा काम किया इसको pick करके because I was getting tired by the end and my mom was like no Priya you really need to buy this because ये 150 का था I guess. 150 each, right? 150. And my mom was like, "You really need to buy this because this is gonna help you a lot in your shoots." And I was like, "Yeah, sure, okay, fine, let's buy it." But we're gonna go home then. So this is the last thing that we bought, and this is the second one. Second was decoration piece that we bought from the same shop, obviously. And this is the third one. Now this is white, this is blue, and we have pink, like I showed you before. एंड इसी के साथ खत्म होता है मेरा सरोजनी नगर मार्केट हॉल. सो गाइस जैसा कि मैंने कहा मेरा सरोजनी नगर मार्केट हॉल यहीं पे खत्म होता है एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जैसा कि मैं हर बार बोलती हूँ प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन. थैंक्स फॉर वॉचिंग.